आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जेनोसाइड सीरीज का ये अगला पार्ट है। बहुत दिनों से मैंने कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं लिया है। जेनोसाइड मतलब होता है एक्सटर्मिनेशन, पूरी पॉपुलेशन को साफ कर देना। और यहां पे आर्मेनियंस का जेनोसाइड एक पूरे तबके को मार दिया गया था। जी हाँ, आर्मेनियन जो उस समय ऑटोमॉन्स के अंडर था, और फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये किसने किया होगा। ऑटोमॉन्स ने पूरा जेनोसाइड किया। इस समय मानने से ये इनकार करता है कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, लेकिन सबको पता है किसने क्या किया। 700 सालों की हिस्ट्री है ये दोस्तों। 700 सालों तक आर्मेनियंस ने सहा, वो सहते रहे, और जब उनका गुस्सा फूटा तो इनको मारना शुरू कर दिया। दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया 700 सालों तक क्या हुआ वो तो मैं इतना नहीं बताऊंगा, लेकिन मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं नहीं बता सकता क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। लेक्चर को छोटा रखना है तो सारी चीजें एक लेक्चर में कन्फाइन करनी है। अगर आपको ऑटोमन एम्पायर के बारे में पूरा जानना है तो हमारे पेनड्राइव कोर्सेज आप अवेल कर सकते हैं। फिलहाल मैं कंक्लूड करूंगा और एक अच्छा सा संक्षेप में आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग पता चल जाए। आर्मेनियन जेनोसाइड की दोस्तों हम बात करेंगे। आर्मेनिया में बेसिकली क्रिश्चियंस रहते थे। जी हां, 20 लाख क्रिश्चियंस थे, 17 लाख को मार डाला, बहुत बुरी तरह मारा। गांव को जला दिया इन्होंने, नेकेड दौड़ा दिया लोगों को, औरतें बूढ़े बच्चे सारे कपड़े उतार के उनको डेजर्ट में दौड़ा दिए, पॉइजन्स दिया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मार दिया, मास रेप्स हुए। हम सारी चीजें दोस्तों कवर करेंगे, बड़ी दुखद घटना है। बैकग्राउंड देखेंगे, हिस्ट्री भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। sid_econnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, और हमने हर एग्जाम्स को कवर किया है। अपने नंबर्स पर कॉल करिए या फिर वेबसाइट विजिट करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा देश है आर्मेनिया, आप देख सकते हैं ये छोटा सा देश यहां पे स्थित है। अगर वर्ल्ड मैप की बात करें दोस्तों, पहले तो ऑटोमन एम्पायर के पूरा साथ था और इस समय तो फिर अलग ही है। अब अगर इसका जूम इन मैप देखें तो आप ये देख सकते हैं, ऑटोमन मतलब टर्की, ठीक है। बाद में इसको रिपब्लिक ऑफ टर्की बना दिया गया जब रातों रात रेवोल्यूशन आ गया था, डेमोक्रेसी आ गई थी। मैंने केमल पाशा अतातुर्क की बायोग्राफी कवर की है, उसमें मैंने सब कुछ बताया है, आप देख लीजिएगा, जबरदस्त हीरो थे। तो टर्की यानी कि ऑटोमन एम्पायर ने सब कुछ जीत लिया था। अभी हम हिस्ट्री देखेंगे क्या थी, और आर्मेनिया भी इनके अंदर आता था। तो छोटा सा देश है ये, और यहां पे क्रिश्चियंस रहते थे, और ऑटोमन एम्पायर तो बेसिकली मुस्लिम एम्पायर था, ठीक है। तो मुस्लिमों ने इनको सेकेंड क्लास सिटीजन बोला था, तो सारे राइट्स, पॉलिटिकल और वोटिंग ये सब जो थे, इन पे टैक्सेस ज्यादा लगते थे। ये काफी मतलब जैसा बताया ना कि पूरे इतिहास में आर्मेनियंस ने काफी सहा है। तो अगर दोस्तों बात करें आर्मेनियंस की, तो 3000 साल पहले ये एग्जिस्ट में आए थे, और उसके बाद फिर ये लोग बहुत ही पीसफुली रहते थे। मेजॉरिटी क्रिश्चियंस हैं, जैसा कि मैंने बताया आर्मेनियंस में सब जो मैक्सिमम पॉपुलेशन था क्रिश्चियंस थी, और तीन तरह के क्रिश्चियंस थे, मतलब तीन कैटेगरीज में ये डिवाइडेड थे। सबसे पहले कौन थे, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और उसके बाद अपोस्टल, ठीक है, यही वैसे तीन मेजोरिटी होती है। तो तीन तरह के क्रिश्चियंस थे, तो इनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था 3000 साल पहले जब ये आए थे, जब ये रहने लगे थे। तो उसके बाद ये इनका जो पूरा सिविलाइजेशन था, इनकी सोसाइटी थी, एम्पायर टू एम्पायर पास होती गई, ठीक है, दूसरे लोग रूल करते थे। लेकिन फिर जब ऑटोमन के कंट्रोल में आया आर्मेनिया, तो पूरी तरह से ब्रूटैलिटी जो है वो चालू हो गई थी। अब अगर ऑटोमन एम्पायर की बात करें दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा एम्पायर था। आपको पता ही है सबसे बड़ा पहले जो एम्पायर आया था वो था ग्रीक, ठीक है। ग्रीक सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा, मतलब ग्रीक जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था। उसके बाद फिर ब्रेजेंटाइन एम्पायर आया, रोमन्स ने ग्रीक को सबड्यू किया, और उसके बाद ब्रेजेंटाइन यानी कि रोमन्स ने राज करना शुरू कर दिया, और फिर ब्रेजेंटाइन एम्पायर को हरा के ऑटोमन एम्पायर, माइटी ऑटोमन एम्पायर ने सत्ता को संभाल लिया। जी हाँ, बहुत सालों तक ये युद्ध चला था। इस टॉपिक में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं सर ऑटोमन एम्पायर कवर कर दीजिए, कवर कर दीजिए। मैं कवर करूंगा लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आपको जानना है तो ये ऑटोमन एम्पायर जो है वो पूरी तरह से हमारे पेनड्राइव कोर्सेज में कवर है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ऑटोमन एम्पायर जो था 1299 में, 1299 में इसको फाउंड किया गया था, और ऑटोमन यानी कि ये टर्किश था। और उसके बाद ये युद्ध लड़ते हैं ब्रेजेंटाइन एम्पायर, जो कि रोमन एम्पायर था उस समय का सबसे बड़ा एम्पायर, और ब्रेजेंटाइन एम्पायर को हरा के
1493 में 1453 में पूरी तरह से ऑटोमन एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया। 1354 में इन्होंने यूरोप को क्रॉस कर लिया था, बाल्कन्स को हरा के यूरोप को क्रॉस कर लिया था। दोस्तों क्या हुआ था ना कि जब ऑटोमन एम्पायर जीता था पहले तो ये एशिया तक ही सीमित था, लेकिन जब रोमन एम्पायर को हराया जो कि बहुत बड़ा था तो इसने यूरोप को भी अपने कब्जे में ले लिया था, अफ्रीका को भी कब्जे में ले लिया था जहां पे रोमन्स का राज चलता था। तो बेसिकली इनका जो पूरा एक्सटेंट था वो क्या कवर करता था, यूरोप, साउथ ईस्ट यूरोप, वेस्टर्न एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, यानी कि साउथ ईस्ट यूरोप, वेस्टर्न एशिया और नॉर्थ अफ्रीका तक इनका पूरा एक्सटेंट था। अब आर्मेनिया तो बगल में है, ठीक है, जुड़ा हुआ है बिल्कुल टर्की से, तो इन्हीं के कंट्रोल में था। अब दोस्तों क्या है, जब ऑटोमन एम्पायर 1453 में बना, पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो गया, इनकी अथॉरिटी चलने लगी। वैसे बता दूं कि हाँ यहां पे इस्लामिक लॉ फॉलो किए जाते थे, पर्दा सिस्टम था, लेकिन फिर भी ये काफी वेल्दी एम्पायर था और यहां पे काफी आजादी भी थी। आप ये मत समझिएगा कि ये बहुत ब्रूटल एम्पायर था, नहीं, ऑटोमन एम्पायर अपने में पहला ऐसा इस्लामिक एम्पायर था जहां पे काफी आजादी थी, काफी फ्रीडम था और वेल्दी एम्पायर था, ठीक है। तो क्या था कि आर्मेनियंस को इन्होंने सेकेंड क्लास, जो सेकेंड क्लास सिटीजन पहले ही बोल दिया था। दोस्तों सबसे ज्यादा तो वहां पे देखिए जो जीतता है अपनी अथॉरिटी वही स्टैब्लिश करता है, तो ऑटोमॉन्स पूरा मुस्लिम रूल था तो सबसे पहले मुस्लिम्स उसके बाद हर कोई आता है, तो इनको सेकंड क्लास सिटीजन बोला जाता था। इनको इनफिडल्स बोला जाता था, इनफिडल्स मतलब जो काफिर होते हैं, जो नॉन बिलीवर्स होते हैं, और इनको कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे। इनके ऊपर टैक्सेस काफी लगाए जाते थे, अगर मुस्लिम को 100 देने हैं तो इनको 1000 देने होते थे, काफी दिक्कतें थी, ये तो बहुत ही खतरनाक कंडीशन आ गई। इनको टैक्सेस काफी लगाए जाते थे, इनके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, इनके पास ये कोई मूवमेंट नहीं कर सकते थे, अगर कभी भी मूवमेंट किया तो हमेशा से क्रश कर दिया जाता था, तो काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी आर्मेनियंस के ऊपर। लेकिन ये पीसफुल एम्पायर था, कोई दिक्कत नहीं, उसके बावजूद ये काफी प्रॉस्पर हुए दोस्तों, इन्होंने काफी सक्सेस पाई, ठीक है, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ये बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचे, एजुकेट हुए काफी। अब ये जो चीज इन्होंने कर दी इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी, ये सारी चीजें ऑटोमॉन्स को नागवार गुजरी, बहुत जलने लगे, एक रिसेंटमेंट हो गया कि इतना कैसे ये लोग ऊपर उठ सकते हैं, तो इनको दबाना चालू कर दिया यहां पे ऑटोमन्स ने। अब क्या हुआ दोस्तों कि यहां पे कुर्द जो मुस्लिम होते थे, करकैसियंस, ये आते थे, इनको लूट के चले जाते थे, इनको मार के चले जाते थे, महिलाओं से रेप होते थे, बड़ी जातियां होती थी। तो क्या है कि 19वीं सेंचुरी आते आते, 1839 आते आते, तीन सबसे बड़ी पावर उभर रही थी जिन्होंने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दिया था, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ये तीन सबसे बड़ी पावर थी। कॉलोनाइजेशन और डीकॉलोनाइजेशन पे पूरा एक वीडियो है डॉक्टर महिपाल सिंह सर द्वारा, आप देख लीजिएगा स्टडी आईक्यू पे। तो ये तीन बहुत बड़ी पावर उभरी, उन्होंने बोला ऑटोमन से कि ये क्या बकवास है इतने सालों से। और हां एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, इस बीच ना बहुत सारी ट्रीटी साइन हुई है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, देखिए कोई इंसान कितना सहेगा, तो मूवमेंट्स भी होते थे। और ये जो पूरी आर्मेनियन काउंसिल है, ये अपनी डिमांड जो है वो बोलती थी कि हमको इतना दबाया जा रहा है, ऑटोमॉन्स से बोलती थी कि आप कुछ करिए, तो बार बार जो है इनकी डिमांड्स ऑटोमन गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाती थी, लेकिन ऑटोमन गवर्नमेंट बोलती थी कि हम बिल्कुल करेंगे, आपके साथ हैं, आपकी सारे मांगे मानेंगे, लेकिन वो सिर्फ किताबें बातें थी, कागजी बातें थी, एक्चुअली में इंप्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं होता था। तो बहुत ब्रूटल रूल हो गया था, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ये तीन सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स थी, सीधा बोल दिया ऑटोमन से कि क्या बकवास करके रखा हुआ है, इन लोग को क्यों मार रहे हो इतना, इनको पूरी आजादी दो। दोस्तों एक चीज और बताना चाहता हूं, एक चीज मैं भूल गया बताना कि यहां पे जो थी दो रूल थे, एक था मिलिट सिस्टम, ठीक है, और एक था धीमी सिस्टम। मिलिट सिस्टम बेसिकली क्या था कि ये सेपरेट कोर्ट ऑफ लॉ था, मतलब आपको ऑटोनॉमी है, आर्मेनियंस को यहां पे ऑटोनॉमी दी थी, भले ही ऑटोमन एम्पायर की पूरी अथॉरिटी थी, लेकिन ऑटोनॉमी आर्मेनियंस के पास थी कि आप अपने हिसाब से रूल कर सकते हैं, लेकिन वो करने नहीं दे रहे थे, जैसा कि मैंने बताया सिर्फ किताबी बातें थी। दूसरा था धिम्मी,
इसके अंडर क्या था कि हम आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, अगर कभी भी आपके ऊपर हमला हो रहा है, ऑटोमन गवर्नमेंट ये कहती थी आर्मेनियन से, आपके ऊपर हमला हो रहा है या कोई दिक्कत है तो हम है ना, हम आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जब आर्मेनियंस बोलते थे कि ये बगल में कुर्दिस्तान, करकैसियंस, ये सब ट्राइबल लोग हमको आके मार के चले जाते हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं, वो बिल्कुल हाथ पे हाथ बांध लेती थी। सिर्फ किताबी कागजी बात है कि हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक्चुअली में कुछ नहीं होता था। तो इसी वजह से ये यूरोपियन पावर्स ने बोला कि अब कुछ करने का वक्त है। अब उसके बाद दोस्तों ग्रेट ईस्टर्न क्राइसिस भी हो गई। ये 19th सेंचुरी जो है ये ऑटोमोन्स के लिए बहुत ही खराब समय था। 13th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक ऑटोमोन्स का राज था भैया, ये बहुत बड़ा टाइम है, 700 सालों तक इन्होंने राज किया है। और अल्टीमेटली फिर जब रातों रात डेमोक्रेसी आई तब रिपब्लिक ऑफ टर्की बना था 1922 में, वो मैंने पूरा कवर किया है केमल अपाशा होता तुर्क की बायोग्राफी में, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों क्या है कि ये ग्रेट ईस्टर्न क्राइसिस आ गई थी। चलिए बताइए ये ग्रेट ईस्टर्न क्राइसिस क्या थी, मेरे दो सवाल हैं आपके। एक तो आपको बताना है ग्रेट ईस्टर्न क्राइसिस क्या थी, और एक ट्रीटी ऑफ पेरिस कौन से वॉर के बाद साइन हुई थी, कुछ याद है ग्रेट ईस्टर्न क्राइसिस? कुछ बल्कन एरिया था वहां पर अनस्टेबिलिटी हो गई थी, लोग खड़े हो गए थे। चलिए ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ग्रेट ईस्टर्न क्राइसिस क्या थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस क्या थी और किस वॉर के बाद साइन हुई थी। रशिया जो है वो बगल में है टर्की के, बॉर्डर डिस्प्यूट था तो रशियो टर्की वॉर भी हुई थी, ठीक है, ये भी हुआ था। रशिया का डोमिनेंस स्थापित हो गया था, ऑटोमोन्स से बार बार वो बोल रहे थे कि जो ये तुम इतनी ज्यादती कर रहे हो उसको खत्म करो। अल्टीमेटली ऑटोमोन प्रेशर में आया, सुल्तान अब्दुल हमीद टू ने कंस्टिट्यूशनल मोनार्की फाइनली स्टैब्लिश किया, लेकिन यह भी खाली पेपर पे था दोस्तों, असली में कुछ नहीं था कि हम सबको राइट्स देंगे, कोई बात नहीं, कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई मेजॉरिटी नहीं, हम किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन असली में ऐसा कुछ हो ही नहीं। मूड खराब हो गया आर्मेनियंस ने, आर्मेनियंस ने बोला कि अब ऐसा है अगर कुछ करना है तो हम ही को करना है। आर्मेनियंस ने अपना एक लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि भाड़ में जाओ तुम लोग, कोई ऑटोनॉमी नहीं, कोई यूरोपियन पावर्स नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, अब हम लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, आर या पार। रातों रात उस लिबरेशन मूवमेंट को क्रश कर दिया था ऑटोमन एम्पायर ने। हमीदिया मसाकर्स हुए थे दोस्तों 1894 से लेकर 1896 तक, आप देखिएगा, चाहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो पे इस पे बना दूंगा। तो ये दो साल तक पूरी तरह से ये जो मूवमेंट है इसको क्रश किया, आर्मेनियंस की बोलती को बंद कर दिया, क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे ना, ठीक है, क्या कर सकते हैं आप। 1878 में जब सेंसस हुआ था तो 3 मिलियन आर्मेनियंस थे, यानी कि 30 लाख आर्मेनियंस थे, ठीक है, आधे से ज्यादा आर्मेनियंस को तो मार ही डाला दोस्तों। 1.5 मिलियंस इस जेनोसाइड में मारे गए थे, और ये 700 साल का जो गुस्सा है ना, ये फिर 1915 में फटना जब स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर वन, आर्मेनियंस को एक हथियार मिल गया, उसके बाद ऑटोमन ने सीधा जेनोसाइड, जो इतने सालों का गुस्सा था वो आर्मेनियंस ने पहले तो ऑटोमन्स में उतारा, और ऑटोमन्स को एक और हथियार मिल गया कि अब ये हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं, इनको हम साफ कर देंगे, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो इतना आसान नहीं था। तो 1896 में दो साल तक ये जो हामिदिया मसाकर चलते हैं, आर्मेनियंस को बुरी तरह से मारा गया, काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था। लेकिन इसके बाद 12 साल बाद एक बहुत बड़ा मौका आता है दोस्तों, जब यंग टर्क रेवोल्यूशन होता है। जी हां, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटाओ, ठीक है, तख्ता पलट हो जाता है दोस्तों, थर्ड आर्मी बन जाती है, ये सब मैंने कवर किया इसलिए ज्यादा इस पे नहीं जाऊंगा मैं, आप केमल पाशा अतातुर्क का लेक्चर देख लीजिएगा। ये थर्ड आर्मी बन जाती है, एक इसमें काफी आर्मी के ऑफिसर्स भी शामिल होते हैं कि हम तख्ता पलट करेंगे और ये जो अब्दुल हमीद टू है ना, इसकी मोनार्की को नीचे लेके आएंगे, और यही हुआ भी। और आर्मेनियंस को ये लगा कि ये जो यंग टर्क है ये इनकी बड़ी मदद करेंगे, ये डेमोक्रेसी लेके आएंगे और हमको आजादी देंगे। ऐसा हुआ नहीं, ऐसा लगा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो जाता है तब आर्मेनियंस को लगा कि अब तो बेटा हमको हथियार मिल गया और अब हम आजादी लेंगे। देखिए क्या हुआ, अब आप जरा यहां पे गौर कीजिएगा। ऑटोमन एम्पायर जो था वो सीधा वर्ल्ड वॉर वन में कूद गया। वर्ल्ड वॉर वन में दोस्तों दो पावर थी, एलाइड वर्सेस सेंट्रल। एलाइड में तो पूरी दुनिया ही शामिल थी, इसमें फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, रशिया, सर्बिया, जापान, इटली, बहुत सारी, चाइना, ये सब एलाइड पावर्स में थी। मेन थी सेंट्रल पावर्स, इसमें क्या था, जर्मनी, ध्यान से सुनिएगा, ऑटोमन एम्पायर, बल्गेरिया और ऑस्ट्रिया हंगरी, ये थी, ये चारों लोग थे। अब ये चारों देश थे, लोग तो नहीं बोलूंगा, ये चारों देश थे। ऑटोमन एम्पायर के साथ कौन था, आर्मेनिया, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट है। आर्मेनिया ने बोला
कि हम ऑटोमोन्स का साथ नहीं देंगे, हम देंगे एलाइड पावर्स का साथ, क्योंकि हमको तो आजादी चाहिए। इतने सालों से ये हमको जो है क्रश करते जा रहे हैं, हम तो एलाइड पावर्स का साथ देंगे, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, आजादी चाहिए, चाहे जैसे भी चाहिए। ऑटोमोन्स ने बोला अच्छा ये बात है, चलो बेटा तुमको अभी बताते हैं। इन्होंने जेनोसाइड का पूरा एक खाका तैयार किया, ढेर सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाने शुरू कर दिए, 25 कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना दिए, सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैंप थी, डिपोर्टेशन स्टार्ट कर दिया। 29 मार्च को एक लॉ पास किया गया, लॉ ऑफ डिपोर्टेशन, कि जो भी इस तरह का मूवमेंट करेगा, हमको बोलेगा कि आप जाओ यहां से, उसको हम डिपोर्ट करके जान से मार देंगे। और दोस्तों ये एक वॉर जोन घोषित हो गया था और आर्मेनियंस को पूरी तरह से अब खत्म कर किया जाने लगा। तो दोस्तों 24 अप्रैल 1915 जिसको रेड संडे बोला जाता है, ये जेनोसाइड की शुरुआत हो गई। जी हाँ, और 24 अप्रैल को जेनोसाइड रिमेम्बरेंस डे भी मनाया जाता है आर्मेनियंस द्वारा। और टर्की बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सब बकवास है। आपको पता है अगर आप इस इवेंट का नाम भी ले ले टर्की में, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, इलीगल है। ऑटोमन एम्पायर अभी भी नहीं मानता है, टर्किश गवर्नमेंट अभी भी नहीं मानती है कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन ऐसा सच में हुआ था भैया। इतने सारे रिकॉर्ड्स, आई विटनेसेस और जो ट्रायल्स हुए हैं वो सब प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो 23 और 24 अप्रैल को ये शुरू हुआ दोस्तों, लोगों को भर भर के ले जाया जाने लगा। अब दोस्तों यहां पे सबसे बड़ी बात क्या थी, मैं आपको बताना चाहता हूं। आर्मेनियंस ने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपने आप को बहुत ही वेल एस्टैब्लिश कर लिया था। तो ये जैसा कि मैंने बताया, जलन का बहुत ज्यादा एक कारण बन गया था। इंटेलेक्चुअल्स ने मूवमेंट्स को इनिशिएट करना शुरू कर दिया। इंटेलेक्चुअल जो थे, जिनको पता था कि किस तरह से क्या करना है, भाई देखिए अगर आपको कोई मूवमेंट चलाना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। ठीक है, आपको जब तक नॉलेज नहीं होगी चीजों की, कानून इकोनॉमिक्स, तब तक आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल्स की सबसे ज्यादा सुनी जाती है, अरे उनकी सुनेंगे ही क्योंकि उनको सब मालूम रहता है। तो इंटेलेक्चुअल्स ने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि इनका साथ मत दो और साथ तुम दो एलाइड पावर्स का। तो यहां पे ऑटोमन एम्पायर मूड खराब हो गया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। 250 लोगों को पकड़ा, इंटेलेक्चुअल जो मूवमेंट को चला रहे थे, सीधा मार डाला गया। जी हाँ, ऑटोमन की कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपोल, सीधा वहां पे मार डाला गया जितने भी लीडर्स थे। और यहां से दोस्तों जेनोसाइड की शुरुआत हो जाती है। एक बार अगर खून लग गया तो आप कुछ कर नहीं सकते। और 24 अप्रैल को ये जेनोसाइड रिमेम्बरेंस वर्ल्ड डे मनाया जाता है। ब्रूटल किलिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जिनके ऊपर शक है उनको डिपोर्ट करो, डिपोर्टेशन स्टार्ट हुआ, ये सबसे पहला था। यहां पे क्या होता था आपको पता है, इनको मारा कैसे जाता था आर्मेनियंस को। दोस्तों पहली बात तो वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गया था, कंट्रीज इन्वॉल्व थी वॉर में, कोई कुछ नहीं कर सकता था, कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक है, अब इंसानियत कितनी दिन नीचे गिरी है आप देख लीजिए। आर्मेनियंस को पकड़ पकड़ के निकाला जाता था, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, आदमियों को, जो मासूम लोग होते थे उनको मेसोपोटामियन रेगिस्तान डेजर्ट में छोड़ दिया जाता था, नेकेड, कोई भी कपड़े नहीं होता था, उनको नंगा छोड़ दिया जाता था। जी हां, उनके बदन पे कोई कपड़ा नहीं, बिना फूड बिना वाटर के चलाया जाता था। डेथ मार्चेस बोला गया इनको। दूसरा, बर्निंग्स। जी हां, 90 गांव जला दिए गए थे, 80,000 लोगों की मौत हुई थी दोस्तों, एक स्कॉलर ने लिखा है। ठीक है, तो गांव के गांव को जला दिया गया। सबसे आसान तरीका था ये मारने का कि ऐसा करो, ऐसे एक एक करके मारेंगे दिक्कत हो जाएगी, सबसे बेस्ट ये है कि सबको इकट्ठा करो, जला दो। तो ये हुआ। तीसरा, ड्राउनिंग। पता है लोगों को इकट्ठा करके लाया जाता था ब्लैक सी में, सबको डुबो दिया जाता था। चौथा, रेप्स। दोस्तों ये जो एक ऐसा, ये बहुत ही एक क्या बोलूं मैं, इनह्यूमन था ये। यहां पे मिलिट्री कमांडर्स ने सबको बोल दिया था कि जितना चाहो जो करना है करो, औरतों को उठा लो, उनका बलात्कार करो, कोई भी रोके टोके का नहीं, हमारा पूरा सपोर्ट है। ये कमांडर्स ने, सीधे ऑर्डर्स थे कमांडर्स के। तो बहुत सारी औरतों को जो थे जो है वो ले जाए जाते थे, मार्केट थी वहां पे बेचे जाने लगी औरतें, सेक्स स्लेव्स बन गई थी, तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। पांचवा, कॉन्सेंट्रेशन कैंप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सबको ले जाके मार दिया जाता था। छठा, पॉइजन्स। पॉइजन गैस देके मार दिया जाता, मॉर्फीन्स देके मार दिया जाता था, और बाकी जो गोली मारनी है, इंसानों को काटना है, वो तो बड़ी आसान बात थी। तो बहुत सारी लाशें मिली हैं, ये पूरा मास मर्डर था दोस्तों। 20 लाख की पॉपुलेशन थी
और जब ऑटोमन गवर्नमेंट ने सरेंडर किया उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, खाली 3 लाख, 3.5 लाख लोग बचे थे, 17 लाख लोगों को, 17 लाख क्रिश्चियंस को मार दिया गया था इस जेनोसाइड में, कुछ इस तरह का हुआ था। और इसमें बहुत सारे बच्चों को भी, बच्चों पे बहुत एट्रोसिटीज, दोस्तों उनकी तो कोई आवाज होती नहीं है, तो बच्चों पे बहुत एट्रोसिटीज होती है, ठीक है, तो उनको किडनैप करके इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया, बड़ी बुरी हालत हो गई थी दोस्तों, क्या बताऊं मैं, ठीक है, ये सब लिखा ही हुआ है और बाकी आप भी सर्च करिएगा। इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें पता है कौन थे, जो छटे हुए कैदी होते थे, जो मर्डरर्स होते थे ना, उनको इस कैंप, उनको इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया जाता था और वो उसके बाद ऐसा जेनोसाइड स्टार्ट करते थे, ऐसा मारना स्टार्ट करते थे कि रूह कांप जाती थी। उनकी तो प्रवृत्ति ही है मारने की, तो वो तो मारेंगे ही, तो दोस्तों बहुत बुरी हालत हो गई थी और काफी इसमें मर्डर्स हुए थे। अब उसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर ने सरेंडर किया 1918 में, जब एलाइट पावर जीता, जर्मनी हारा, ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन हुई, फिर फाइनली जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके ऊपर ट्रायल्स चले, आर्मेनियंस ने भी बदला लेने की सोची, लेकिन फिर क्या बताएं कि उसके बाद फिर कुछ इतना खास हो नहीं पाया। और फिर टर्किश गवर्नमेंट आज भी ये डिनाइड करती है, मतलब बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सब बकवास है। और अगर अभी बात करें तो टर्की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स का एलाय है, तो भैया ये पूरी तरह से इनको बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये सबको पता है क्या हुआ था और इन्होंने क्या किया था। तो ये पूरा जेनोसाइड जो थे वो चला था इस दौरान। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों, बहुत बड़ा टॉपिक है ये 700 सालों की हिस्ट्री है ना, इसमें बहुत सारी ट्रीटी साइन हुई थी, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए थे, बार बार नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता था कि नहीं नहीं इनको राइट्स देंगे, लेकिन ये सिर्फ कागजी बातें थी, आर्मेनियंस को कुछ भी नहीं मिला था। और बहुत आखिरी में जब वर्ल्ड वॉर वन में पूरा जेनोसाइड शुरू हुआ और जब ऑटोमन ने सरेंडर किया, तो फाइनली जब रिपब्लिक ऑफ टर्की बना, इनको राहत मिली। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जरूर शेयर कीजिए, मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक कुछ रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, शेयर जरूर कर दीजिएगा, थैंक्स।